नमस्कार दोस्तों, डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब तुम उभरोगे तो सबसे अलग ही निकलोगे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान राशि पर। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों का 13 नवंबर दिन रविवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, तो दोस्तों आज वीडियो में आपको बताएंगे सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसे चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों आइए वीडियो में आय का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज रविवार है, सूर्य भगवान का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय सूर्यदेव भगवान लिखें, सूर्यदेव आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 13 नवंबर 2022 दिन रविवार, आज की तिथि पंचमी, आज का नक्षत्र आद्र नक्षत्र, पंचचर कृष्ण पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 6:41 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 5:28 पर। दोस्तों आज का शुभ समय है सुबह 9:22 से सुबह 10:18 तक रहेगा। दोस्तों आज आपको शुक्र करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें, आपके लिए शुभ होगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है दोपहर 12:05 से दोपहर 12:58 तक रहेगा। दोस्तों आज आपका लकी नंबर 8 और शुभ रंग है मोर पंखी और हरा। दोस्तों अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों बहुत ज्यादा मानसिक दबाव और थकान परेशानी की वजह बन सकता है। सेहत को ठीक बनाए रखने के लिए पर्याप्त आराम करें। दिन की शुरुआत में ही आज आपको कोई आर्थिक हानि हो सकती है जिससे सारा दिन आपका खराब हो सकता है। आपको अपना बाकी वक्त बच्चों के संग गुजारना चाहिए, चाहे इसके लिए आपको कुछ खास ही क्यों ना करना पड़े। एक तरफ का प्यार आपके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। किसी वजह से आज आपके ऑफिस में जल्दी छुट्टी हो सकती है, इसका आप फायदा उठाएंगे और अपने परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने जाएंगे। जीवन साथी यह जता सकता है कि आपके साथ रहने का क्या क्या खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। सेहत के लिहाज से दौड़ लगाना आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। साथ ही दोस्तों आपको बताएं हसमुख रिश्तेदारों का साथ आपके तनाव को कम करेगा और आपको जरूरी आराम देगा। आप खुश नसीब हैं कि आपके ऐसे सगे संबंधी हैं। बिना विचार किए आपको किसी को भी अपना पैसा नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपके आने वाले वक्त में बड़ी परेशानी हो सकती है। कोई ऐसा रिश्तेदार जो बहुत दूर रहता है आज आपके संपर्क में आ सकता है। आज किसी ऐसे इंसान से मिलने की संभावना है जो आपके दिल को गहराई से छुएगा। आपके पास आज अपनी क्षमताओं को दिखाने के मौके होंगे। जिन रिश्तों को आप अहमियत देते हैं उन्हें समय देना भी आपको सीखना होगा, नहीं तो रिश्ते टूट सकते हैं और आपको परेशानी हो सकती है। कहते हैं के स्त्रियां शुक्र और मंगल पुरुष के ग्रह होते हैं, लेकिन आज के दिन वैवाहिक शुक्र और मंगल एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको बताएं आज का दिन अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए अच्छा दिन है। आज आपको किसी सम्मानित व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है। इस राशि के व्यक्तियों को आज धन लाभ होगा। जीवन साथी की मदद से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आज किसी पार्टी में जाने का प्लान बन सकता है जहाँ किसी दूर के रिश्तेदार से आपकी मुलाकात भी हो सकती है। शंकर जी को जल चढ़ाएं। कहते हैं कि शंकर जी को जल चढ़ाना आर्थिक पक्ष मजबूत होंगे। आपके घर वाले आपकी कोशिशों और समर्पण को सराहेंगे। रोमांस, घूमना फिरना और पार्टी रोमांचक तो होंगे लेकिन साथ ही थकाऊ भी रहेंगे। साथ ही साथ आपको बताएं दोस्तों से मिली खास तारीफ खुशी का जरिया बनेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने अपनी जिंदगी को एक पेड़ की तरह बना लिया है जो खुद तपते धूप में खड़ा होकर और उसे सहकर भी राहगीरों को छांव देता है। कोई बेहतरीन या नया विचार आपको आर्थिक तौर पर फायदा दिलाएंगे। दफ्तर के तनाव को घर में ना लाएं, इससे आपके परिवार की खुशी खत्म हो सकती है। अच्छा यही है कि परेशानियों का सामना दफ्तर में ही करें और घर पर पारिवारिक जीवन का आनंद लें। किसी दिलचस्प इंसान से मिलने की प्रबल संभावनाएं। आज सोच समझ कर कदम बढ़ाने की जरूरत है जहाँ दिल की बजाय दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं आज के दिन आप किसी नई रचना की शुरुआत कर सकते हैं। होम मेकर्स घरेलू स्तर पर
कुछ बदलाव लाने के लिए आज आप तो नजर आ सकते हैं। बचपन के किसी दोस्त से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। प्यार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप इसे स्वाभाविक और प्रभावित रखना पसंद करते हैं। विवाहित राशियों में जुनून की कमी है। आय धीरे धीरे बढ़ने वाली आमदनी आपको आर्थिक स्तर पर मजबूत बना सकती है। व्यापारी वर्ग गुप्त शत्रुओं से अलर्ट रहें, वे व्यापार के आड़े आ सकते हैं। प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोगों के लिए आज का दिन उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। काम को और बेहतरीन तरीके से करने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। साथ ही साथ आपको बताएं, आज आप जीवन को सकारात्मक नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। इस राशि वाली महिलाएं, आपके मायके की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है। यदि आप विवाहित हैं तो आज किसी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होगा। विवाहित लोग अपनी शादी से थोड़ा उबाव महसूस कर सकते हैं। आज किसी को उधार दिया हुआ पैसा आज वापस मिल सकता है। बड़े कारोबार या प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। किसी भी समस्या पर घबराने के बजाय अपनों की सलाह लें। नौकरी में मनोवांछित उपलब्धि मिलने के आसार हैं। महिलाएं विशेष रूप से अपने कैरियर के प्रति सजग रहें। साथ ही साथ आपको बताएं, गैर जरूरी खर्चे ज्यादा रहेंगे, उनको अनुकूल परिणाम भी नहीं मिलेंगे। विपरीत परिस्थितियों में आपको जीवन साथी व परिवार जनों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका आत्मन बना रहेगा तथा आपसे संबंध भी मजबूत रहेंगे। रिलेशनशिप से संबंधित हर एक बात को धीरे धीरे ठीक होगी। कार्य क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को सीखने का मौका प्राप्त होगा। इस कारण आपको घर से बाहर भी यात्रा करनी पड़ सकती है। व्यवसाय से संबंधित हिसाब किताब और फाइलें व्यवस्थित रखें, क्योंकि उनके खोने या कहीं गुम होने की संभावना है। इस समय कार्य क्षेत्र में इनकम टैक्स, सेल टैक्स आदि से संबंधित किसी भी कार्य को अधूरा छोड़ना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। विस्तार संबंधी किसी भी योजना पर एक बार पुनर्विचार करने की अति आवश्यकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ का। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज आपको अपने जीवन साथी या प्रेमिका का साथ मिलेगा। साथ ही साथ कह सकते हैं कि आज आपका अपना जीवन साथी आपकी हर काम में मदद करेगा और आपकी हर बात को सुनेगा, जिससे आपके रिश्ते में सकारात्मक बदलाव आएंगे। आपके प्रेम जीवन में चली आ रही समस्या आज खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जीवन साथी का सकारात्मक सहयोग आपके आत्मबल व आत्मविश्वास प्रदान करेगा। आपसे संबंधों में और अधिक नजदीकी आएंगे। बच्चों के हंसी व किलकारी के संबंधी कोई सूचना मिल सकती है, जिससे घर में प्रसन्नतापूर्ण वातावरण रहेगा। प्रेम संबंधों में और अधिक गंभीरता आएगी। वैवाहिक संबंध ठीक ठाक रहेंगे। पारिवारिक माहौल खुशनुमा बना रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज स्वास्थ्य को लेकर आपके लिए स्थितियां काफी सामान्य रहेंगी। आज किसी तरह की कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या उत्पन्न होने के कोई संभावना नहीं है। दोस्तों, आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा, जिसके चलते आप अपने आप को तनमुक्त व तरोताजा और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएं, आप अपने स्वास्थ्य को और भी अधिक अच्छा रखने के लिए आप अपने खान पान का ध्यान रखें और रोजाना योग व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके।